जी सर, आपका नाम? सुरेश कुमार सैनी जी। आप ये धरने पे बैठे हैं, क्या विशेष लेके बैठे हैं, क्या हुआ आपके साथ जो आप धरने पे बैठे हैं? आपके साथ काफी लोग बैठे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? धरने पे काफी लोग बैठे हैं, इसमें 750 कर्मचारी लोग हैं हमारे समर्थन। किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? मुख्य मांगे हैं हमारी की BMHRC को रन करने के लिए अब एम्स में जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए कभी भी सरकार ने कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाई है कि हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ गैस विक्टिम की सेवाओं के लिए बनाए, जिसमें कई जगह आदेश भी दिया है कि इन कर्मचारियों के लिए भी भर्ती नियम और सबके लिए बनाए जाए। तो हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, ना प्रबंधन की तरफ से ना सरकार की तरफ से, मजबूरन हमें बाहर आना पड़ रहा है। इसमें इतने अत्याचार हो रहे हैं कि एक के बाद एक कर्मचारियों को शोषण करके बाहर निकाला जा रहा है। मजबूरन हम बार बार स्ट्राइक करना पड़ रही है, मैनेजमेंट को लेटर देते हैं, मैनेजमेंट को सुनता नहीं है। DHR मीटिंग करते हैं तो DHR वाले बोलते हैं कि तो आउटसोर्स की पॉलिसी है। आउटसोर्स पॉलिसी कब तक चलेगी? क्योंकि 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, वो लोग मजबूरन हो गए हैं बाहर निकलने के लिए, उनको उनके परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या कहना है आप? अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, कितने लोग धरने पे बैठे हैं, और आप लोग समथिंग कब से ये धरने पे बैठे हुए हैं, किस टाइम से, और आपको अभी तक कितना टाइम हो गया? 1 नवंबर 2016 को हमने स्ट्राइक की थी, उसमें भी सिर्फ एक आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को नौकरी से नहीं लिखा जाए निकाला जाएगा। किसने आज आपको ये भाषण दिया कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा? ये हमारे सारी कंपनियों की तरफ से दिया। उसके बाद हमारे श्री माननीय विश्वास सरंग जी आए थे, उनके भी आदेश और उनके भी वर्बल इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया था मैनेजमेंट को कि आप किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। अभी आप यहाँ पे धरने पे कब से बैठे हैं? यहाँ हम सुबह से बैठे हैं। अभी सुबह से लेके अभी तक कौन आया है यहाँ पे? यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई भी नहीं आया, उल्टी धमकियाँ हमें आ रही है कि आप कल से नौकरी पे ये करते हो तो ठीक है, अन्यथा आप लोगों को यहाँ से बहिष्कार कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। किसने दी आपको ये धमकी? वो कंपनियों की तरफ से दिलवाई है। कंपनी की तरफ से। और क्या कहना है आपका इस विषय में? आपके साथ काफी लोग बैठे हुए हैं, इसके आपके पीछे काफी लोगों का पेट लगा है, काफी लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, तो इसके विषय में अब आप लोग क्या करेंगे इससे आगे? इससे आगे हमारी प्लानिंग ये है कि देखिए, हमने बार बार प्रदर्शन करते हैं पर मांगे नहीं मानती है, तो हमारी प्लानिंग ये है कि इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन करने के लिए निरंतर हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, या तो संविदा पे लिया जाए, या एम्स की जो पॉलिसी है वहाँ पे लग रही है, ये मर्ज होता है, तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, शामिल किया जाए जी। आप माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से क्या चाहेंगे कि क्या आपके लिए क्या करना चाहिए, आपका क्या कहना है? शिवराज सिंह जी को मैं इसके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हम कर्मचारियों के लिए, भविष्य के लिए, परिवार के लिए हमारा भी एक रास्ता खोले और हमें भी संविदा पे लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गैस विक्टिम का हॉस्पिटल है, उनकी सेवाएं दे दे के यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, अवरेज हो गए हैं, जो कहीं फाइट नहीं कर सकते, मजबूरन उनको यहाँ पे काम करते हुए आर्थिक शोषण, वेतन और बहुत सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं। अभी आप लोग नौकरी कर रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, काम करने में क्या परेशानी आ रही थी? काम करते हुए मैं अत्यधिक काम होता है, क्योंकि आउटसोर्स मैन पावर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा शक्ति हमसे ली जाती है, क्योंकि कार्य अवधि भी ज़्यादा रहती है हमारी, मतलब सबसे काम हमारे ऊपर रहता है भार, पूरी जिम्मेदारी हम पे रहती है। कोई लेटर वगैरह है, कोई बनाना है, दवाई बांटना है, पेशेंट की फाइल मेंटेन करना है, वार्ड में रजिस्ट्रेशन पे, मतलब A to Z में हमारा 750 लोगों का रोल है जी। और कुछ कहना है आपका इस धरने को लेके? हाँ, आपके माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी मांगे आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुँचाए। थैंक यू जी। सर, आपका नाम? संदीप पाटिल, फार्मेसी जी। आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, किस लिए, किस कारण बैठे हैं आप? अभी यहाँ पे मुझे कुछ दिन पहले 15-20 दिन होने पे आ रहा है, बिना कारणवश, बिना किसी सूचना के 15-20 दिन पहले यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर द्वारा बोला गया था कि आपकी सेवा से समाप्त करी जा रही है बिना किसी रीजन के। जब हमने उनसे रिटर्न में जवाब मांगा तो उनका रिटर्न कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने बस ओरली कहा था कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। किस वजह से निकाला गया आपको? नहीं बताया। तो आपने इनसे पूछा तो आपसे क्या पूछा? उनने जनक प्रदा कोई जॉब नहीं दिया उनने जी, है ना। उसके बाद में उनने फिर वो दूसरे दिन हमने जॉब मांगा, उसके बाद उन्होंने जॉब में दिया कि आपको हम निकाल नहीं रहे हैं, आपका ट्रांसफर को प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंदौर में है, चेतराम हॉस्पिटल, वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। उनसे जब हमने जवाब मांगा, ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ से प्राइवेट संस्थान में क्यों भेजा जा रहा है? तो उनसे फिर उनने 7 दिन का समय दिया था हमें कि आपको 7 दिन के अंदर वहाँ ज्वाइन करना है ना, जो कि लेटर हमने रिसीव नहीं किया, जो हमें गलत लगा था। और क्या कहना है आपको? आपके साथ काफी लोग धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफी जितने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर है यहाँ पे, सबका यहाँ शोषण किया जाता है, सबसे ज्यादा वर्क इन्हीं से करवाया जाता है,
और यहाँ तक कि हमारे से जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है, जिसके कारण हर चीज़ के लिए हमें प्रेशर, मतलब खाने के लिए टॉयलेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है। आपके डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, जो आपके साथ वाले हैं, आपके सीनियर ऑफिसर हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है और क्या कर रहे हैं वो आपके लिए अभी तक, क्या आशन, क्या निराशा, क्या भाषण दिया? उन्होंने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया, अगर गलती नहीं है तो भी उसके लिए हमें लेटर रिसीव करवाते है ना, और बिना कारण के रिसीव करवाते, किसी को जानकारी नहीं देते हमें, बस ये बोलते कि रिटर्न में जॉब दे दीजिए आप, इससे कुछ नहीं होगा आपका। जी माननीय विश्वास सारंग जी के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, विश्वास सारंग जी से पहले आए थे हमारे पास, जब हमने इससे पहले स्ट्राइक करी थी तो उस समय वो आश्वासन दे गए थे, जो कि आज तक हमारे पूरे नहीं हुए। तो अभी विश्वास सारंग जी से आपकी बात हुई क्या? अभी आज नहीं, कुछ भी बात नहीं, कुछ नहीं बात। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो हमारे बोनस का पॉइंट है और ठेका प्रथा बंद करने का है, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हमारे यहाँ से निकाले गए, जो 2016 से निकाले गए, वो सबको वापस लिया जाए। थैंक यू जी। आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या परेशानी हुई? हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम है, आए दिन कोई भी जरा सी कोई बात होती है तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है, और कुछ भी जरा सा भी कुछ भी होता है तो हमको धमकी दी जाती है। आज हम धरने पे बैठे हैं तो भी हमको धमकी भरे लेटर आ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ठेका अपना खत्म करना चाह रहे हैं। उसके पहले जो हम लोगों ने 2016 के पहले जो हड़ताल की थी तो विश्वास सारंग जी आए थे, उन्होंने हमें टाइम दिया था 3 महीने का। उसके बाद आज तक ना ही विश्वास सारंग जी हमें दर्शन दिए और ना हम लोग जाते हैं वहाँ तो हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती। एक हमारे यहाँ का प्रकाश ढोलपुरे है जिसको निकाल दिया गया मालेकर ने, मालेकर जब से आया जब से हाउस स्पीकिंग लेबर को सभी को जास्ती परेशान करा, लेडीजों का उसके साथ बर्ताव ठीक नहीं है, बदतमीजी करता है। क्या बदतमीजी करते हैं लेडीजों के साथ? तड़ाक बात करता है। ये सब महिलाएं हमारी हाउस स्पीकिंग की बैठी हुई हैं मेरे साथ। इसके अलावा जो प्रकाश ढोलपुरे को हटाया तो उसकी मिसेज विश्वास सारंग जी के पास गई, उन्होंने लेटर दिया। मालेकर कहता है ये लेटर मुझे कोई मतलब नहीं, विश्वास सारंग को मैं नहीं जानता, और लेटर फेंक दिया। और उसके अलावा अनशन बोला उसको, वो बाहर आज क्या अनशन शब्द बोले उन्होंने? तू तड़ाक बोलता है, बदतमीज करता है, माँ बहन की गाली गलौज करता है। जब से मालेकर दादा आया है जब से लेबर को सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक सुपरवाइजर को भी निकाला सोते हुए, बाकी 3-4 लड़कों को और निकाले, आए दिन किसी ना किसी को निकालता और पैसे ले लेके लेबर भर रहा है, 20-20 हज़ार रुपये ले रहा है। प्रकाश के लिए भी 20 हज़ार मांग रहे, यदि 20 हज़ार उस पर नहीं होंगे तो वो कहाँ से नौकरी करेगा, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा, उसकी मिसेज ड्यूटी कर रही वो भी बीमार है इस वक्त, और बाकी सभी लोगों को हम लोगों को परेशानी है ठेके करने, ठेका हटाया जाए और हम लोगों को संविदा में किया। तो आपकी मांग क्या है, यही मांग है आप लोगों की? जी हाँ, हमारी मांग यही है कि हम लोगों को हटाया ना जाए और ठेका खत्म किया जाए और बोनस दिलाया जाए हम लोगों को। बोनस के विश्वास सारंग जी बोल गए थे और अभी तक ना विश्वास सारंग जी का पता है ना हमारा कोई। थैंक यू। पूरी करो। हमारी मांग है हम तो एक है।